हेलो दोस्तों, तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल AMC टेक फॉर यू पे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए वीडियो बनाने जा रहे हैं कि आप स्मार्ट वॉच को अपने एंड्रॉयड फोन के साथ कैसे कनेक्ट करें। तो दोस्तों, इसी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि दो मॉडल स्मार्ट वॉच हैं, तो आप यहाँ पे दोनों मॉडल देख सकते हैं। तो हम आपको दिखाने वाले हैं कि ये जो स्मार्ट वॉच है, आप अपने एंड्रॉयड फोन के साथ कनेक्ट कैसे करें। तो दोस्तों, आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले आपको हम दिखाना चाहेंगे, हमारे पास ये स्मार्ट वॉच है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी हम इसको जो है अपने एंड्रॉयड फोन के साथ कनेक्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लीजिए अपना फोन जो है, हमारे फोन की तरफ देख लीजिए। सबसे पहले हम इसका एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल करेंगे अपने मोबाइल फोन पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप जाइए प्ले स्टोर पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्ले स्टोर। तो प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आप सर्च बार में टाइप करें वेयरफिट के नाम से इनका एप्लीकेशन है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे WEARFIT। तो आप देख लीजिए वेयरफिट के नाम से जो एप्लीकेशन, इसको हम सर्च करेंगे तो ये वाला एप्लीकेशन है वेयरफिट के नाम से। तो हमने ऑलरेडी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रखा है, तो हम ओपन करते हैं। तो आप भी इसी तरह प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। ये जो वेयरफिट एप्लीकेशन है, तो मैक्सिमम ये जो जितनी भी कॉपी स्मार्ट वॉच आते हैं चाइनीज, तो इनमें यही एप्लीकेशन काम करता है। वेयरफिट जो एप्लीकेशन है, सभी में यही काम करता है। तो बाकी जो भी आपके पास वॉच होगा, उस पर दिया होगा कि कौन सा एप्लीकेशन उसमें उसके साथ सपोर्ट करता होगा। तो दोस्तों, हमने वेयरफिट जो एप्लीकेशन है इसको ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है। तो करते हैं हम बैक। तो अभी आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले जो हमारा ये जो स्मार्ट वॉच है, तो अपने स्मार्ट वॉच को सबसे पहले ऑन कंडीशन में आप रखें। तो उसके बाद हम सबसे पहले यहाँ पे ब्लूटूथ पे जाते हैं। तो ये जो ब्लूटूथ हमारा है, इस पे क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे, पहले हम इसको सर्च करेंगे अपने स्मार्ट वॉच को। तो आप देख सकते हैं ये जो W8 है हमारा सर्च हो गया है। तो W8 ये इसका स्मार्ट वॉच का मॉडल नंबर है, तो इसी के यहाँ पे सर्च बार में आ रहा है। तो हम अभी बैक करके अपने सॉफ्टवेयर पे वेयरफिट पे जाते हैं। तो ये जो हमारा सॉफ्टवेयर यहाँ पे वेयरफिट है, तो इसको ओपन करेंगे हम। वेयरफिट को यहाँ पे ओपन कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्टिंग दिखा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर देखिए, आप चार लाइन्स आपको शो हो रहे होंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे फोर लाइन्स पे क्लिक करेंगे। तो फोर लाइन्स पे क्लिक करने के बाद अभी ये जो है वॉच इसके साथ कनेक्ट नहीं है। तो हम पहले सबसे पहले इसमें जो सेटिंग में आ रहा है डिवाइस मैनेजमेंट सेटिंग के ऊपर, तो डिवाइस मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे। तो इसके बाद हम यहाँ पे कनेक्शन मैनेजमेंट आ रहा है, तो कनेक्शन मैनेजमेंट पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है, अभी जो हमारा वॉच है ये कनेक्टेड नहीं है। तो अभी हम इसको कनेक्ट करने वाले हैं। तो आप देखते रहें, यहाँ पे नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा लिंक योर हेल्थ बैंड। तो हम अभी लिंक योर हेल्थ बैंड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे सर्च बार में सर्च करेंगे, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे सर्च बार में आप देख रहे होंगे कि W8 का जो है मॉडल नंबर यहाँ पे सर्च हो गया है। तो अभी हम इसको W8 पे जो है क्लिक करेंगे, तो ये स्मार्ट वॉच जो है हमारा कनेक्ट हो चुका है। आप देख लीजिए ये वाला स्मार्ट वॉच जो हमारे पास है, ये इसके साथ फोन के साथ कनेक्ट हो चुका है। तो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं कि ये जो स्मार्ट वॉच है यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे अभी हम कुछ फीचर्स दिखाएंगे आपको। हम फोर लाइन्स पे क्लिक करेंगे, तो कनेक्टिंग सक्सेसफुल हो चुका है। इसी तरीके से जो इसका टाइम जोन होगा वो भी ऑटोमेटिकली आपको सेट होगा। ये बैटरी दिखा रहा है हमारा, बैटरी कितना है, तो यहाँ पे 80% बैटरी हमारा है चार्ज इसमें, तो 80% यहाँ पे हमको शो हो रहा है। तो सेम तरीके से आप देख लीजिए, अभी हम सेटिंग पे जाते हैं। तो सेटिंग पे छोड़ो, अभी सेटिंग तो आप खुद कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी डिवाइस मैनेजमेंट पे हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फाइंड द बैंड। तो हम अपने जो वॉच है, स्मार्ट वॉच है, इसको फाइंड करेंगे इसके थ्रू। तो यहाँ पे देख लीजिए, हम फाइंड द बैंड पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो वो वाइब्रेट कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो जो स्मार्ट वॉच है वाइब्रेट कर रहा है। दोबारा हम दिखाएंगे आपको, ये देख लीजिए, तो ये जो हमारा स्मार्ट वॉच है हम वाइब्रेट, इस तरीके से हम अपने स्मार्ट वॉच को ढूंढ सकते हैं। तो स्मार्ट वॉच में एक ऑप्शन और भी आपको दिखाई मिलेगा यहाँ पे स्मार्ट वॉच में। तो यहाँ पे भी आप हम जा सकते हैं, अपने फोन को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये जो स्मार्ट वॉच है, यहाँ पे हम जाएंगे अदर्स में, लॉन्ग प्रेस करेंगे अदर्स पे, तो यहाँ पे फाइंड द फोन का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हम फाइंड द फोन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, लॉन्ग प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अपने अब हम यहाँ से रिंग करेंगे अपने फोन को, तो ये देखिए वन टच करेंगे, हमारे फोन पे जो है रिंग हो रहा है, आप सुन सकते हैं। तो यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं। तो दोबारा आप देख लीजिए, यहाँ पे हम रिंग करेंगे, ये हमारे फोन के साथ कनेक्ट है, तो यहाँ से हम स्टॉप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से हमने अपने फोन को कनेक्ट किया।
तो आप यहाँ से अभी बैक कर सकते हैं इसको। तो आप देख लीजिए कैसे हमने इसको फोन को इसके साथ कनेक्ट कर लिया। तो यहाँ से आप देख लीजिए म्यूजिक कंट्रोल वगैरह जो भी आपका सेटिंग है। हमने आपको खाली इस वीडियो में दिखाना था कि स्मार्ट वॉच को अपने एंड्रॉयड फोन के साथ कनेक्ट कैसे करें। तो इसी के तरीके से हमारे पास जो दूसरा वॉच है हम इसको ऑफ करते हैं। तो आप देख सकते हो लॉन्ग प्रेस करके हम ऑफ करेंगे ये वाला, तो जो हमारा वॉच है कनेक्ट हो गया। ये आप देख लीजिए ये वाला मॉडल है हमारे पास सपोर्टी फैशनेबल ये वाला वॉच, तो ये हमने कनेक्ट कर लिया इसके साथ। ये जो है ब्लूटूथ वॉच है, तो इसमें जीपीएस ट्रैकर, हार्ट रेट, अलार्म क्लॉक, फाइंड द फोन, कॉल रिमाइंडर, ये सारे ऑप्शन आपको अवेलेबल होंगे, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये वाला जो वॉच हमने इसके साथ कनेक्ट करके दिखाया, तो अभी हम आपको सेकंड वॉच इसके साथ कनेक्ट करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम ब्लूटूथ पे जाते हैं, इस वॉच को ओपन सबसे पहले ऑन करेंगे इस वॉच को। ये देख लीजिए ये वाला वॉच है हमारे पास स्मार्ट ब्रेसलेट, स्मार्ट ब्रेसलेट वॉच हमारे पास। आप देख लीजिए ये मॉडल, इसका मॉडल तो नहीं दिखाया गया है इसमें, तो ये वाला वॉच है। तो अभी हम यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करेंगे सबसे डाउन में, तो फिर ये हमारा वॉच जो है ऑन हो जाएगा। तो ये देख लीजिए हमारा जो वॉच है ये स्मार्ट वॉच ये ऑन हो चुका है। तो अभी हम इस वॉच को कनेक्ट करके दिखाएंगे। तो अभी जो ये वाला वॉच है इसका जो मॉडल नंबर आ रहा था ब्लूटूथ पे W8 आ रहा था, तो अभी हम इसका देखेंगे इस पे क्या आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले फिर से हम ब्लूटूथ पे क्लिक करेंगे, तो ये जो W8 वाला ये वाला वॉच था इसको हम पहले डिसकनेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये कनेक्टिंग में था, तो अभी आप थोड़ा वेट कीजिए हम दिखाते हैं आपको ये वॉच जो है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो वॉच था ऑलरेडी कनेक्टेड था। तो दोस्तों अभी हम आपको दिखाएंगे कि पहले सबसे पहले हम इसको अनपेयर करेंगे। तो यहाँ से अनपेयर करेंगे ये जो हमारा पहले था, तो अभी दूसरा इसका जो सेकंड वॉच हमारे पास है इसका जो मॉडल नंबर आ रहा है A6 आ रहा है। तो वो वाला जो पहला वाला वॉच था उसके जो मॉडल नंबर हमारा आ रहा था यहाँ पे A8 आ रहा था, तो इसका जो है A6 आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए A6 मॉडल नंबर हमारे पास शो हो रहा है यहाँ पे ब्लूटूथ पे। तो अभी हम इसको बैक करेंगे, तो दोबारा इसी एप्लीकेशन पे, यही एप्लीकेशन दोनों वॉच के लिए है। तो आप देख लीजिए ताकि मैक्सिमम जो जितनी भी कॉपी वॉच चाइनीज वॉच आते हैं उनमें यही वेयर फिट ही एप्लीकेशन काम करता है। तो हम अभी इसको ओपन करेंगे, तो सबसे पहले इसको डिसकनेक्ट करेंगे यहाँ से डिवाइस मैनेजमेंट पे, कनेक्शन मैनेजमेंट पे। तो ये डिसकनेक्टेड है वो वाला वॉच क्योंकि हमने आज स्विच ऑफ कर लिया उसको। तो अभी हम इस वॉच को कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ से करेंगे लिंक योर हेल्थ बैंड। ये जो हमारे पास ये देखिए A6 मॉडल ऊपर शो हो रहा है, तो यहाँ से आप कनेक्ट करेंगे। तो ये देख लीजिए कनेक्टिंग हो रहा है। तो अभी हमारा जो है ये वाला वॉच कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ। ये 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे डिवाइस मैनेजमेंट पे यहाँ पे, तो ये हो गया कनेक्ट। देख लीजिए ये जो ये वाला बैंड भी है हमारा कनेक्ट हो गया है। तो अभी हम यहाँ से फाइंड द बैंड इसमें भी करके दिखाएंगे आपको। आप देख लीजिए ये देखो वाइब्रेट कर रहा है, आप देख लीजिए ये वाइब्रेट हो रहा है। तो इसी तरीके से आप अपना जो वॉच है कनेक्ट कर पाएंगे। तो बाकी फ्यूचर्स के जो इसमें वॉच में फ्यूचर्स है बैंड्स में, तो ये हम आगे वाले आने वाले वीडियो में आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या क्या फ्यूचर्स है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कीजिए। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, थैंक यू सो मच।